आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो निकाय चुनाव बीते कई दिनों से यूपी की सियासत और सियासतदान इसकी धुरी के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना। इस निकाय चुनाव को देश के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का सेमी फाइनल तक माना जा रहा है। निकाय की वैतरणी को पार लगाने के लिए सभी सफेद पोशों ने जी जान लगा दी है। फिलहाल पहले चरण का मतदान कल होना है और पहले चरण के लिए चुनावी शोर भी थम चुका है। लेकिन यूपी की सियासत में पश्चिमी यूपी का रोल काफी अहम माना जाता है, वो यूं क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद ज्यादा है और यहाँ का जातीय समीकरण सियासत की पिच पर अलग ही काम करता है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरा अपडेट। निकाय चुनाव का कौन बनेगा राजा, पश्चिमी यूपी का कितना प्रभाव है निकाय चुनाव में, पश्चिमी यूपी में पार्टियों का बड़ा खेला, पश्चिमी यूपी का चुनावी मुद्दा क्या, मुस्लिम वोटरों की कौन करेगा सेंधमारी। निकाय चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा सहित सभी पार्टियों ने जीत हासिल करने के लिए अपना दमखम दिखाते हुए खाका तैयार कर लिया है। निकाय में कब्जा जमाने के लिए जाति समीकरण से लेकर हर एक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है कि तरीके से स्थानीय सरकार को हर पार्टी अपनी सरकार बना सके। इस लिहाज से भी सभी का पश्चिमी बेल्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी बेल्ट की बात करें तो सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, रामपुर, मुजफ्फरनगर, ये वो जगहें हैं जो अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम बाहुल हैं और यूपी की अलग छवि को दिखाती है। ये पश्चिमी यूपी का वो हिस्सा है जहां जातीय समीकरण अलग ही तरीके से काम करता है। सभी पार्टियों ने इन जगहों पर जातीय समीकरण को साधते हुए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले सहारनपुर की बात करें तो पहले चरण में यहां पर चुनाव होना है। सहारनपुर में नगर निगम के लिए दूसरी बार चुनाव होना है। बता दें कि 2017 में सहारनपुर पहली बार नगर निगम बना और बीजेपी का पहला महापौर चुना गया था। बीजेपी के संजीव वालिया मेयर बने थे। पिछली बार ये सीट ओबीसी आरक्षित थी। इस बार यहाँ पर जो मेन मुकाबला है बीजेपी, सपा और बसपा के बीच में है। सहारनपुर मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसलिए सपा और बसपा ने मुस्लिम दांव खेला है। बीजेपी ने सहारनपुर से अजय कुमार को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने नूर हसन आलम और बसपा ने खादीजा मसूद पर भरोसा जताया है। सहारनपुर शहर अपने लकड़ी के कामों के लिए जाना जाता है। लकड़ी के वार्निश के काम के साथ कई और तरीके के काम को भी किया जाता है। नगर निगम क्षेत्र में 70 वार्ड में से 20 वार्ड मुस्लिम बाहुल है। पार्षद पद की दावेदारी के लिए मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने दावेदारी ठोक दी है। वहीं बीजेपी पार्टी इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतार रही है। 2017 नगर निगम चुनाव में भाजपा ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन इस बार लोकप्रियता को बढ़ता देख भाजपा आलाकमान मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रही है। इस बार निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने 350 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया है। 5 नगर पालिका अध्यक्ष पद पर मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। 35 नगर पंचायतों का मुस्लिमों को टिकट मिला है। पश्चिम की 18 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। गोरखपुर जैसे जगह में भी 2 मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। माना जा रहा है कि ये बीजेपी की अलग रणनीति है जिसके तहत काम किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में जाति और सामाजिक समीकरण को देखते हुए मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया गया है। सहारनपुर में जो मतदान होना है उनमें कुछ ही सीटों पर मतदान होगा कि वहां पर 1 मेयर, 70 पार्षद, 4 नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ही 100 सभासद है और 7 नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ही 94 नगर पंचायत के सदस्य है, यानी कुल निकाय 12 है जिन पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो कुल पद है 276। एक बार आपको फिर से बता दें, जहां सहारनपुर में जब निकाय चुनाव होगा तो उस दौरान 1 मेयर के साथ ही 70 पार्षदों पर भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। वही 4 अध्यक्षों के साथ 100 सभासद भी चुने जाएंगे। वही आपको बता दें कि इस दौरान जो सहारनपुर में मेयर प्रत्याशी है वहां भाजपा ने अजय कुमार पर दाव लगाया है, तो वहीं सपा के सिंबल पर नूर हसन आलम चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो बसपा की तरफ से खादीजा मसूद चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कांग्रेस ने प्रदीप वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है।
मुरादाबाद ये भी मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है और एक वक्त था जब इस शहर में सपाइयों की तूती बोलती थी, लेकिन सपा का गढ़ होने के बाद भी मुरादाबाद का सियासी समीकरण बिल्कुल ही बदला नजर आ रहा है। मुरादाबाद सीट पर 5 में से 3 बार बीजेपी का दबदबा रहा। मुरादाबाद शहर पीतल की नगरी के नाम से फेमस है। इस शहर में मेयर पद के लिए मुरादाबाद में बीजेपी ने विनोद अग्रवाल पर दांव लगाया है। इसके अलावा सपा ने रईसुद्दीन और बसपा ने मोहम्मद यामीन जैसे चेहरों को जगह दी है। तो मुरादाबाद में भी निकाय चुनाव की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन इस दौरान मुरादाबाद में एक नगर निगम 70 पार्षदों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, तो इस दौरान 2 नगरपालिका अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। इसके साथ ही 50 सभासदों पर भी जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही 8 नगर पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव करेगी, साथ ही साथ 123 नगर पंचायत सदस्यों का भी जो जनता है वो चुनाव करेगी। तो कुल निकायों की संख्या 11 है और इस दौरान कुल पद है वो 254 है। तो वही मुरादाबाद में मेयर प्रत्याशियों की अगर हम लिस्ट पर एक नजर डालें तो भाजपा की तरफ से विनोद अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सपा ने इस सीट पर रईसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बसपा के सिंबल पर मोहम्मद यामीन चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो कांग्रेस के अगर प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस के सिंबल पर रिजवान कुरैशी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात अलीगढ़ की। अलीगढ़ में ताले और तांबे का जखीरा है जो दूसरे शहरों में सप्लाई किया जाता है, लेकिन चुनावी माहौल के हिसाब से अलीगढ़ की जनता के मन में क्या है ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अलीगढ़ में 1995 से अब तक मेयर पद के लिए 5 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 बार बीजेपी यहां पर अपना झंडा लहराने में कामयाब रही, लेकिन 2017 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में बसपा कामयाब हो गई। बीजेपी ने इस बार प्रशांत सिंगल को मेयर प्रत्याशी बनाया है। अलीगढ़ की मेयर सीट पर सपा ने इजमीर उल्ला खां को प्रत्याशी बनाया है, तो बसपा ने सलमान साहिद के नाम पर प्रत्याशी के रूप में मुहर लगाई है। तो ताले और तांबे के जखीरे वाले शहर यानी कि अलीगढ़ में भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। इस दौरान एक नगर निगम 90 पार्षद की सीटें ऐसी है जहां पर वोट डाले जाएंगे। तो अगर नगर पालिका की बात करें तो उस दौरान 2 अध्यक्ष और 50 सभासद पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि अगर नगर पंचायत पर हम जिक्र करें तो जो 15 है वो नगर पंचायत अध्यक्षों पर जनता चुनेगी और 189 नगर पंचायत सदस्य भी इस दौरान चुने जाएंगे। तो कुल निकाय की संख्या जो है वो है 18 और कुल पदों पर एक नजर डाले तो वो है 347। और अलीगढ़ के मेयर प्रत्याशियों को बेहद ही सियासी समीकरण को साधते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि 2017 में इस सीट पर बसपा की जीत हुई थी, तो भाजपा ने इस बार प्रशांत सिंगल पर दाव लगाया है। तो सपा की तरफ से जमीर उल्ला खां अपने दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं बसपा की तरफ से सलमान साहिद चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कांग्रेस के सिंबल पर सीपी गौतम चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। गाजियाबाद में मेयर पद के लिए होने वाली जंग काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। गाजियाबाद नगर निगम के मुद्दों की बात करें तो कूड़े के निस्तारण और स्ट्रीट लाइटों की समस्या यहां पर सबसे ज्यादा है। हाउस टैक्स के मुद्दे भी यहां जनता के लिए काफी जरूरी हैं। खास बात यह कि जब से गाजियाबाद नगर निगम बना है तब से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर नालियां तक नहीं है। जहां गाजियाबाद में बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सपा और बसपा अपने यहां की सीट को अपनी सीट बनाने में लगी हुई है। गाजियाबाद में बीजेपी की तरफ से सुनीता दयाल चुनावी मैदान में है। सपा ने पूनम को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, वहीं बसपा ने निसारा खान को उम्मीदवार बनाया है। तो गाजियाबाद में एक मेयर की सीट पर चुनाव होगा, इस दौरान 100 पार्षद भी चुने जाएंगे। तो वहीं अगर नगर पालिका की बात करें तो उस दौरान 4 अध्यक्ष और 148 पदों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, तो 4 नगर पंचायत अध्यक्षों का भी चुनाव होना है। इसके साथ ही 46 नगर पंचायत के सदस्य भी चुने जाएंगे, तो कुल निकाय है 9 और कुल पद है 303 जिन पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो गाजियाबाद की अगर हम मेयर प्रत्याशियों पर एक नजर डालें तो भाजपा के सिंबल पर सुनीता दयाल चुनावी मैदान में है, तो सपा के सिंबल पर पूनम अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो बसपा के सिंबल पर निसारा खान चुनावी मैदान में उतरी है और कांग्रेस की तरफ से पुष्पा रावत अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आएंगी। निकाय चुनाव की बयार में बरेली का माहौल अपने रंग में रंग चुका है। बरेली में दूसरे चरण में वोटिंग होगी।
बरेली नगर निगम के 80 वार्डो में वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर भी तमाम दलों के उम्मीदवारों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। वही 4 नगर परिषद अध्यक्ष और 15 नगर पंचायतों में भी उम्मीदवार अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। बरेली नगर निगम में 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जिस वजह से सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी ने यहां इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। मुस्लिम मतदाताओं के जरिए सभी पार्टियां नगर निगम की सरकार बनाने की तैयारी में लग गई हैं। सपा ने 80 वार्डों में से 40 वार्ड में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस को 80 वार्डों में से 43 वार्डों में ही प्रत्याशी मिले, जिसमें से उसने 30 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिया। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी, जिसने पिछले चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, उसने इस बार 9 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो बरेली की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस दौरान एक मेयर के पद पर चुनाव होगा, तो इसके साथ ही 80 पार्षद भी चुने जाएंगे। वही 4 अध्यक्ष के साथ 100 सभासदों की भी किस्मत का फैसला जनता के पूरे हाथों में होगा। तो 15 नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ही 192 सदस्य भी चुने जाएंगे। तो कुल निकायों की संख्या जो है वो है 20, और इस दौरान जो कुल पद है वो है 392। तो इन सभी पदों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तो बरेली में बेहद ही सूझबूझ के साथ सभी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो सपा के सिंबल पर संजीव सक्सेना इस वक्त दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो भाजपा के सिंबल पर उमेश गौतम चुनावी मैदान में उतरे हैं। जबकि अगर बसपा के प्रत्याशी पर हम एक नजर डालें तो यूसुफ खान पर दाव लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने कुलभूषण त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रामपुर, अमरोहा और बदायूं भी मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं, जहां पर मुस्लिम ध्रुवीकरण भी दिखाई देता है, लेकिन इन जनपदों के लोगों ने विकास के मुद्दों को सर्वोपरि रखा है। रामपुर पहले नवाबों का गढ़ हुआ करता था और रामपुरी चाकू की काफी ज्यादा फेमस है। कुछ साल पहले रामपुर में भी सपा का वर्चस्व था, लेकिन अब यहां पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। रामपुर नगर पालिका में 2017 में सपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब रामपुर की पहचान बदल चुकी है। यहां के मुसलमानों ने विकास की राह को अपना लिया है। रामपुर की जनता जागरूक हो चुकी है, लेकिन रामपुर की सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। रामपुर पर महिला सीट की दावेदारी है। इस बार रामपुर की जनता के लिए विकास का ही मुद्दा मेन है। इस वक्त यूपी में चुनावी बयार चल रही है। निकाय चुनाव का बादशाह कौन होगा, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन यूपी की जनता प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते हुए देखना चाहती है। इसलिए पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी होने के बाद भी हर जगह लोगों की डिमांड सिर्फ साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छे स्कूल और दुरुस्त सड़कें ही है। ये चुनावी लहर किसके पक्ष में जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। निकाय चुनाव की जंग करारी आखिर कौन किस पर पड़ेगा भारी, इसका नतीजा तो 13 मई को ही सामने आएगा, जब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला पूरी तरीके से खुल जाएगा। लेकिन अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जनता का पसंद कौन बनता है और आखिर जनता की पसंदीदा पार्टी कौन सी है, क्योंकि इस बार तमाम पार्टियों ने सभी समीकरणों को साधते हुए अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। क्योंकि कोई जो पार्टी है वो किसी पार्टी का कीड़ा भेदने का प्रयास कर रही है, तो कोई किसी के गढ़ में जाकर के सेंधमारी करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसका नतीजा तो 13 मई को ही घोषित होगा कि आखिर जनता की जो पसंद है वो कौन बना है और जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किस पार्टी और किस प्रत्याशी पर जताया है। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।